माननीय उपसभापति जी, जो प्रस्तावना मैंने की है कि जो अध्यादेश आया राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा कानून के संबंध में, अध्यादेश के ये अधिकार का दुरुपयोग था। खाद्यान्न सुरक्षा का अधिकार मिले, मेरी पार्टी इसका पूर्ण रूप से समर्थन करती है, लेकिन जिस तरीके से ये अध्यादेश लाया गया और जो इस कानून के अंदर लिखा है उसमें बहुत सुधार की गुंजाइश है। ये अध्यादेश 5 जुलाई 2013 को आया। संविधान की धारा 123 के तहत अध्यादेश तब लाया जाता है, ऑर्डिनेंस तब लाया जाता है जब संसद का सत्र बुलाने में समय हो और कोई ऐसा विषय आ गया हो जो सत्र तक प्रतीक्षा नहीं कर सकता। इफ देयर इज अ मैटर ऑफ अटमोस्ट अर्जेंसी व्हिच कांट अवेट द सेशन ऑफ पार्लियामेंट एंड देयरफॉर द ऑर्डिनेंस इशूइंग पावर ऑफ द गवर्नमेंट इज यूज्ड व्हिच इज लाइक एन एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेशन। 5 जुलाई 2013 को ऑर्डिनेंस आया और 6 अगस्त 2013 को यह सेशन बुलाया था, आरंभ था। 30 दिन का समय था। 30 दिन में क्या होने वाला था कि संसद के दोनों सत्र चर्चा करके इसको पास कर देते, इसमें सुधार ले आते, हम उसकी प्रतीक्षा नहीं कर सकते। क्या इस बिल में कुछ ऐसा था कि 30 दिन में हमें केवल यह कुछ कार्य करना था? मैंने जब इस ऑर्डिनेंस को पढ़ा तो इसकी क्लॉज 3 में है, एवरी पर्सन बिलोंगिंग टू प्रायोरिटी हाउस होल्ड आइडेंटिफाइड अंडर सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 10 शैल बी इंटाइटल टू रिसीव अ सर्टन अमाउंट ऑफ फूड ग्रेन। जो प्रायोरिटी, जिनको प्राथमिकता दी जाएगी, ऐसे जो घर हैं उनको रियायती दर के ऊपर 5 किलो पर व्यक्ति अनाज दिया जाएगा। क्लॉज 9 में है कि कितने लोगों को दिया जाएगा यह सरकार तय करेगी। क्लॉज 10 क्या कहता है कि इस प्राथमिकता में कौन लोग आएंगे यह राज्य तय करेंगे। और क्लॉज 10(1) का जो प्रोवाइजो है वो क्या कहता है, प्रोवाइडेड दैट द स्टेट गवर्नमेंट मे एज सून एज पॉसिबल बट विद इन अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 365 डेज आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट आइडेंटिफाई द एलिजिबल हाउसहोल्ड्स इन अकॉर्डेंस विद द गाइडलाइन नेम्ड अंडर दिस सबसेक्शन। अभी गाइडलाइंस बननी है, उस गाइडलाइन के बाद 365 दिन यानी 1 वर्ष के अंदर जिन घरों की को ये अनाज मिलेगा उसकी प्राथमिकता की सूची बनेगी, उसके बाद ये डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो इस 30 दिन में तो कुछ होने वाला नहीं था, लेकिन इस 30 दिन की प्राथमिकता ये थी कि शायद कोई राजनीतिक संकेत देना चाहता था कि किसी राज्य सरकार को कहे कि एक सांकेतिक कार्यक्रम कर लीजिए आप। अब किसी की राजनीतिक उपलब्धि हो या राजनीतिक संकेत देना है वो ऑर्डिनेंस इश्यूइंग पावर को जस्टिफाई नहीं करता। अध्यादेश जारी करने का अधिकार यह संवैधानिक अधिकार है, इसका सही उपयोग होता है कि 30 दिन के अंदर कुछ ना कुछ इसकी कार्रवाई आरंभ होनी थी। क्या गाइडलाइंस इश्यू हो चुकी हैं? क्या राज्यों को यह लिख दिया गया है कि यह गाइडलाइंस है और 365 दिन या उससे भीतर जो अवधि है आज उस अवधि में प्राथमिकता के आधार पर इन घरों की सूची बनाई है? आज तक तो यह हुआ नहीं है। और इसलिए 30 दिन की हम प्रतीक्षा नहीं कर सकते थे और ऑर्डिनेंस के रूप से लाए, यह राजनीतिक निर्णय हो सकता है, संविधान इसकी अनुमति नहीं देता। दूसरा, अध्यक्ष जी, मैंने बार बार इस कानून को पढ़ा है, कम से कम 30 ऐसे जिम्मेवारियां हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ऑब्लिगेशंस हैं, अधिकार हैं जो प्रायः राज्य सरकारों के हैं।
राशन कार्ड कौन बनाएगा? राज्य सरकार। इस अनाज को डिस्ट्रीब्यूट कौन करेगा? राज्य सरकार। अगर इस लिस्ट को बदलना है कौन करेगा? राज्य सरकार। आंगनवाड़ियों का प्रयोग करना है तो उसकी लिस्ट कौन बनाएगा? राज्य सरकार। अगर क्लॉज 8 में खाद्यान्न के बदले पैसा देना है, यह निर्णय राज्य सरकार लेगी। पूरी लिस्ट राज्य सरकार बनाएगी प्रायोरिटी हाउस होल्ड्स की। रिफॉर्म्स हैं इसमें, वो केंद्र भी कर सकता है, राज्य सरकार भी कर सकती है। जो ग्रीवियंस रिड्रेसल, जिसको शिकायत है, वो राज्य सरकार के समक्ष जाएगा। उस मैकेनिज्म को सेटअप करने का अधिकार राज्य सरकार का है। स्टेट फूड कमीशन होगा जिसके सामने विवाद चलेंगे, वो कौन बनाएगा? राज्य सरकार। इसके अतिरिक्त आप देख लीजिए कि पूरी मॉनिटरिंग क्लॉज 24 में इस कानून के तहत राज्य सरकार की होगी। लोकल अथॉरिटीज का, अगर म्यूनिसिपैलिटीज का प्रयोग होगा तो राज्य सरकार तय करेगा कौन सी है। इसके अतिरिक्त जो रूल्स बनेंगे क्लॉज 40 में, वो कौन बनाएगा? राज्य सरकार। इस देश में एक संघीय ढांचा है, वी हैव अ फेडरल स्ट्रक्चर, और जितना इस कानून का को लागू करने की जिम्मेवारी है वो सारी राज्यों को दे दी गई है। मैं उसका स्वागत कर रहा हूं, मैं उसका स्वागत कर रहा हूं। और केंद्र अगर चाहे तो किसी राज्य में घुस के इसका डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन करे, वो संभव भी नहीं है। अब राज्यों के कितने मुख्यमंत्री हैं जो अपने राज्यों के अलग अलग सुझाव दे रहे हैं? डिफरेंट चीफ मिनिस्टर्स आर गिविंग यू डिफरेंट सजेशंस। सेवरल चीफ मिनिस्टर्स आर राइटिंग टू द सेंटर, व्हाट आर द पिक्यूलियरिटीज ऑफ द स्कीम विच विल सूट माई स्टेट, द एक्सटेंट ऑफ कवरेज, द काइंड ऑफ न्यूट्रिशियस फूड टू बी गिवन, द एक्सटेंट ऑफ फूड टू बी गिवन, द वेटेज ऑफ फूड टू बी गिवन। ऑल दीज आर मैटर्स विच चीफ मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट्स आर राइटिंग। आई हैव स्कीम्स इन माई स्टेट विच आर बेटर एंड सुपीरियर स्कीम्स, आई'ड लाइक टू कंटिन्यू विद देम। Now, if they want to do that, so this whole concept that the center decides one size and one size will fit everyone irrespective of the peculiar situation in the states, to isliye ye aapke liye shayad avashyak hota ki aap khadyan ka adhikar ho, lekin uski jo lachilapan hai, flexibilities hain har rajy ke anukool, agar rajyon ke upar chhod dete तो ये जो मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि मेरे राज्यों की जो योजना है वो इससे बेहतर है, या मेरे राज्यों की जो प्राथमिकता और आवश्यकता है इस कानून से अलग है, तो शायद बेहतर होता। सभापति जी, एक तर्क दिया जा रहा है कि जो मौजूदा योजनाएं हैं उन योजनाओं में इंटाइटलमेंट है, अधिकार नहीं है, और इसके बाद एक अधिकार मिलेगा। इंटाइटलमेंट विल नाउ बिकम अ राइट। सर, एट टाइम्स द डेविल इज इन द डिटेल। आई'ड लाइक द ऑनरेबल मिनिस्टर टू रीड विद मी द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लॉज, क्लॉज 3 सब क्लॉज 2। द आर्ग्यूमेंट दैट 75% of the rural population and 50% of the urban population is going to ipso facto benefit from this. Look at the language now. The entitlements of persons belonging to eligible households referred to in subsection 1 at subsidized prices shall extend up to, I repeat and underline, shall extend up to 75% of rural house population and 50% of urban population. The way it is drafted, 75% of rural population and 50% of urban population is not the base,
इट्स द आउटर कैप एंड दिस कैप इज नॉट अ फिक्स्ड कैप. रीड क्लॉज 2 नाउ इन कंजंक्शन विद क्लॉज 9. द परसेंटेज कवरेज अंडर द टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन इन रूरल एंड अर्बन एरियाज फॉर ईच स्टेट शैल बी सब्जेक्ट टू सेक्शन सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 3 बी डिटर्मिंड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द टोटल नंबर ऑफ पर्संस टू बी कवर्ड इन सच रूरल एंड अर्बन एरियाज शैल बी कैलकुलेटेड ऑन बेसिस ऑफ द पॉपुलेशन एस्टिमेट्स. तो जो आउटर लिमिट होगी वो 75% और 50% होगी. ये कैप है, ये बेस नहीं है. और इसलिए क्लॉज 9 के तहत भी अगर इसमें लचीलापन और फ्लेक्सिबिलिटी का अधिकार केवल केंद्रीय सरकार को है तो इस लिमिट को कितना 75 तक और 50% तक ले जाना है, कितना कम करना है, वो अधिकार आपने अपने पास रख लिया है. अध्यक्ष जी, सच में मैंने इसकी जो अध्ययन किया तो बेहतर होता आप इसका थोड़ा नाम परिवर्तित कर देते. आपने कहा नेशनल फूड सिक्योरिटी बिल और एक्ट व्हेन इट बिकम्स एन एक्ट. इफेक्टिवली इट इज रीपैकेजिंग ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग फूड स्कीम्स. जो मौजूदा स्कीम्स हैं उसको परिवर्तित करके एक नए रूप में आपने दे दिया. अब ये मैं किस आधार पे कह रहा हूं, इस सदन में बहुत पहले नहीं 23 अगस्त को हमारे साथी श्री नरेश गुजराल ने एक प्रश्न पूछा था कि कितना पैसा खर्च हो रहा है मौजूदा योजनाओं पे और ये कानून बन जाएगा तो कितना खर्च होगा. मंत्री जी ने जवाब दिया और मैं उनका जवाब पढ़ता हूं. नाउ इट इज 2013. इवन इफ देयर इज नो फूड सिक्योरिटी बिल आवर सब्सिडी विल गो अप टू 1,13,000 crores. नाउ व्हेन द फूड सिक्योरिटी बिल इज इंप्लीमेंटेड व्हिच इंक्लूड्स मेनी स्कीम्स लाइक मिड डे मील स्कीम एंड अदर स्कीम्स फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन एंड ऑल थिंग्स द सब्सिडी विल बी 1,25,000 crores. 12,000 करोड़ रुपया मौजूदा योजनाओं में हम और जोड़ देंगे. ये मंत्री जी का थॉमस साहब का ही कहना था. मैंने बजट के जो डॉक्यूमेंट्स थे उन सारे दस्तावेजों को पढ़ा कि पिछले मौजूदा साल के बजट में खाद्यान्न की जितनी योजनाएं हैं उनके ऊपर आपने कितना अमाउंट एलोकेट किया है. फूड सब्सिडी वाया टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम्स इंक्लूडिंग 10,000 crores जो एडिशनल कहा 91,034 crores. मिड डे मील स्कीम 13,215. इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम 17,700. नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन 2,250. नेशनल न्यूट्रिशन मिशन कंप्यूटराइजेशन ऑफ पीडीएस 200. वेयर हाउसिंग 145. ये मौजूदा बजट में प्रावधान था और ये प्रावधान 1,13,000 करोड़ का नहीं था जो आपने कहा. मैंने इसको कुल योग लगाया तो इसका कुल योग है 1,24,844. द टोटल अमाउंट प्रोवाइडेड इन दिस ईयर्स बजट ऑन ऑल फूड स्कीम्स इवन विदाउट दिस एक्ट और बिल और ऑर्डिनेंस इज 1,24,844 crores. यू रीपैकेज दैट एंड नाउ से इट विल बिकम एन एक्ट. यू सी माई स्कीम्स वर एन एंटाइटलमेंट बट द एक्ट इज अ राइट. द एक्ट सेज विल एक्सटेंड अप टू. सो द लैंग्वेज इज फ्लेक्सिबल. हाउ मच इट कैन बी रिड्यूस, हाउ मच इट कैन बी रेस्ड, यू कीप देन रिजर्व द पावर टू योर सेल्फ इन द एक्ट. नॉट ओनली दिस, यू कैन लुक एट इट अनदर वे.
हाउ मेनी पीपल आर कवर्ड अंडर योर एग्जिस्टिंग स्कीम्स, ये भी आपका संसद में ही उत्तर है। मौजूदा योजनाओं में कितने लोग कवर्ड हैं? अलग अलग एस्टिमेट है कि परिवार में 4.6 लोग होते हैं कि 4.8 होते हैं। वी कैन कीप दैट एकेडमिक आर्ग्यूमेंट अपार्ट। मौजूदा जितनी योजनाएं हैं उसमें सस्ता अनाज कितने लोगों को मिल रहा है? 82 करोड़ 90 लाख, 82.99 करोड़। अगर आपका पूरा ये एक्सटेंड अप टू छोड़ दिया जाए और 75% रूरल और 50% अर्बन ले लिया जाए आज की जनसंख्या के आधार पर, तो दिस 82.99 करोड़ विल बिकम 81.37 करोड़। व्हाट अ ग्रेट अचीवमेंट। सो यू हैव एक्सटेंडेड इट टू मोर पीपल, यू हैव इनफैक्ट कट डाउन द नंबर ऑफ पीपल। नाउ व्हाट डू यू डू विद स्टेट्स एंड मेनी स्टेट्स, and here this is a council of states, therefore I raise the issue of states. Many states are represented through their members elected in the Rajya Sabha here, and that is what the chief ministers are writing to you. There are states with existing schemes which are superior. Aap 5 kilo anaj denge, agar 4.6 ya 4.8 bhi le liya jaye parivar ka ausatan size, to 23 ya 24 kilo anaj ho gaya। अब उस राज्य क्या क्या करे, छत्तीसगढ़ जो 35 किलो दे रहा है। आपकी योजना माने या अपनी माने और उसको कम करे। आप कह रहे हैं कि 2 रुपए 3 रुपए पे दूंगा, वो 1 रुपए में 35 किलो दे रहा है, तो आपके कहने पे डबल या ट्रिपल करेगा। आप सिर्फ अनाज दे रहे हैं वो भी 5 किलो पर व्यक्ति, वो अनाज भी देता है, चना भी देता है, आयोडाइज्ड नमक भी देता है, चीनी भी देता है, और नमक तो फ्री में देता है, दाल भी देता है। और केवल ये छत्तीसगढ़ नहीं, ये योजनाएं और राज्यों की भी हैं। तो इसलिए थोड़ा बड़ा दिल दिखाइए और इसमें लिखिए कि जो राज्य हमसे बेहतर योजना के तहत दे रहे हैं उन राज्यों की योजनाएं चलती रहेंगी, वो कम नहीं करेंगे। आपकी जो योजना है वो केवल अनाज की है, फूड ग्रेन की है। उनकी जो न्यूट्रिशियस वैल्यू है, वो न्यूट्रिशियस वैल्यू, उसमें प्रोटीन भी है, अन्य चीजें भी हैं, उसमें और सुधार की गुंजाइश हो सकता है। तो इसलिए मेरा जो मूल प्रश्न है, विस्तृत रूप से मेरे वरिष्ठ सहयोगी वेंकैया जी इस पर बोलेंगे कि ये कौन सी आफत आ रही थी कि इतनी जल्दी थी, मौजूदा योजनाएं थी, 1,24,000 करोड़ से ज्यादा उनके ऊपर खर्चा किया जा रहा था, उसको 1,25,000 करोड़ में बदलना है, राज्यों में ये चल रही है। अगर इंटाइटलमेंट को राइट बदलना है तो 30 दिन की प्रतीक्षा भी हो सकती थी, लेकिन फिर ये एक्सटेंड अप टू ना करते आप। तो इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि ऑर्डिनेंस इश्यू करने के लिए कौन सी जल्दी और आफत थी कि इस तरह का कानून, और वो भी कानून जो पूरे रूप से राज्यों ने लागू करना है और राज्यों के पास इससे बेहतर योजनाएं हैं, कि ये करने के लिए आप संसद के सत्र की प्रतीक्षा नहीं कर सकते थे, इसलिए आपने अपने ऑर्डिनेंस इश्यूइंग पावर अधिकार का दुरुपयोग किया। धन्यवाद।